जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, वीडियो में किसके बारे में बात होने वाली है, तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लैब्राडोर वर्सेस बोरबेल। बोरबेल एक इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और काम होने के साथ एक एक्स्ट्रा लार्ज डॉग ब्रीड है साउथ अफ्रीका की, जिसे लॉयन ब्लड डॉग भी कहा जाता है। बोरबेल की हाइट 24 to 27 inches तक होती है और इसका वजन 70 to 90 kg तक हो सकता है, इसी कारण इसे एक्स्ट्रा लार्ज डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। वहीं लैब्राडोर एक एक्टिव, फ्रेंडली और आउटगोइंग होने के साथ एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, जिसका ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड से है। और लैब्राडोर की हाइट 23 to 25 inches तक होती है और इसका वजन 30 to 37 kg तक हो सकता है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉग को सिलेक्ट कर सकें। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देता है और लोग उस नस्ल को ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में बोरबेल 118 नंबर पर आता है, वहीं लैब्राडोर मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में नंबर 1 पर आता है और बोरबेल इसमें बहुत ही आसानी से पीछे रह जाता है। टोटल अटैक्स। अगर आप एक डॉग ऑनर हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग यूजलेसली किसी पर भी अटैक कर दे, वरना डॉग अटैक आपको अच्छी खासी मुसीबत में डाल सकता है। बोरबेल अपने टेम्परामेंट को लेकर एक्टिवली अलर्ट होते हैं, मगर एग्रेसिव नहीं होते और केवल जरूरत पड़ने पर ही अटैक करते हैं, और इनका कोई भी ऑफिशियल अटैकिंग रिकॉर्ड नहीं है। वहीं लैब्राडोर अपने टेम्परामेंट को लेकर पेशेंस और प्रोटेक्टिव देखे जाते हैं। 2005 से 2007 तक लैब्राडोर ने 9 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 8 पर आता है। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। वैसे हमने बाइट फोर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बोरबेल एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 450 psi बाइट फोर्स जनरेट कर पाता है, वहीं लैब्राडोर मीडियम टू लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 230 psi तक जनरेट कर पाता है। इसमें आसानी से आगे निकल जाता है बोरबेल। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। बोरबेल अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 5-star वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। लैब्राडोर अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 3-star वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। इसमें भी बोरबेल आगे निकल जाता है लैब्राडोर से। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। बोरबेल को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते देखा गया है और बच्चों के साथ इन्हें सुपरविजन में रखने की सलाह दी जाती है। वहीं लैब्राडोर को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते देखा जाता है और बच्चों के साथ ये बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। बोरबेल टॉप 10 इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता है और इसका लाइफ स्पैन 9 से लेकर 11 साल होता है। वहीं लैब्राडोर 2022 की मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 7 पर आया था और इसका लाइफ स्पैन 11 से लेकर 13 साल होता है। तो इंटेलिजेंस और लाइफ स्पैन के लिए एक पॉइंट जाता है लैब्राडोर को। एनर्जी लेवल। जैसे हम इंसानों को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही डॉग्स की एनर्जी को चैनलाइज करवाने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना ब्रीड एग्रेसिवली बिहेव करने लगती है। लैब्राडोर वर्किंग और स्पोर्टिंग डॉग होने के साथ एक हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और एनर्जी लेवल में इसे 5-star रेटिंग मिला था। वहीं बोरबेल एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और स्मार्टली एक्टिव बिहेव करती है और एनर्जी लेवल में इसे 3-star रेटिंग मिला था। तो ये थी एक वर्चुअल फाइट बिटवीन लैब्राडोर एंड बोरबेल। वैसे इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो इंटरनेट से ही निकाली है, रियल टाइम इवेंट कुछ अलग हो सकते हैं। हमारा मकसद आप तक स्टैटिस्टिकल डेटा पहुंचाना है, ना कि किसी नस्ल को कम या ज्यादा बताना। तो आपकी जो भी निजी राय और अनुभव हो वो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।